आपको कि तैयारियां कैसी हुई हैं? तैयारियां जी यहाँ की बहुत बेकार हैं। मतलब कैसी उम्मीद कैसी थी? उम्मीद थी जी हम यहाँ आए। अब आप सामने देख सकते हैं मैच, जो क्या कह रहे हैं आपकी रिपोर्टिंग का रिजल्ट है। देखिए स्कोर बोर्ड पे आ गया। मैच शुरू हो चुका है, मैच में दो विकेटें भी उड़ चुकी हैं और अब जो है तीन विकेटें उड़ चुकी हैं और सात ओवर हो चुके हैं, वो देखिए सामने। और अब जो है स्कोर बोर्ड पे स्कोर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, यहीं से पता चल रही है कि तैयारियां जो हैं, जो तैयारियां की गई हैं वो तेज रफ्तार से नहीं, वो धीमी धीमी रफ्तार से जो है वो चल के सामने आ रही है कि हाँ जी हमने ये भी तैयारियां की थी। तो बाहर से भी लोग आए हैं यहाँ पर हरियाणा से भी लोग आए हैं, लखनऊ से भी लोग आए हैं, सांबा से लोग आए हैं, लोग सुबह 12:30 से आकर बैठे हुए हैं। आप कितने दिनों से आए यहाँ पे, कब आए हैं? हम तो अभी आए हैं, दो घंटे पहले आए हैं। कब चले थे? हम रहे थे कल, चले थे वैसे घर से तो। अच्छा, आज यहाँ आए। उम्मीद थी ऐसा कि ये नज़ारा देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसी नहीं, नहीं? बाकी इसके अलावा और कोई कमी पेशी आपको नजर आ रही है कि और कुछ होना चाहिए था जो नहीं मिल रहा है यहाँ पर एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक? मैम और सब कुछ सही है, बाकी सब सही है, बढ़िया। फैसिलिटीज दा फैसिलिटीज के बारे में तुसी की कहना? मैम तुसी फैसिलिटी दी गल कर रहे हो ना, तुसी बाथरूम जगह ला देख लो, बाथरूम ला देख लो, किचड़ जाले एमएस स्टेडियम के अंदर। देखिए मैं आपको दिखाता हूं वहां पे, आप मैं तानू जाके जगह दस सकदा, तुसी मेरे नाल जा सकदे हो। जाले एक दिन च तैयार नहीं होंदे, जाले घट्टो घट 10 दिन साफ सफाई नहीं है कुछ। नहीं बिल्कुल नहीं है, बच्चे से पूछ लो बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, पूरी सीटें भरी हुई है। ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि आज तो फर्स्ट टाइम मैच हो रहा है, इसके बाद हम चाहते हैं कि इधर एक इंटरनेशनल मैच हो, फैसिलिटी उस तरह की होनी चाहिए कि ताकि इंटरनेशनल मैच हो। एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम, एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा है, ऐसी बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम मैच है, आगे सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, मगर जाले एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से जो प्रेपरेशंस हैं वो बहुत बढ़िया हुई हैं, लेकिन जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी कि फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी मिलेंगी, हर तरीके की जो तैयारियां हैं वो होंगी, उस हिसाब की हुई हैं लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई हैं। लोगों की कहीं ना कहीं शिकायतें भी हैं लेकिन लोग खुश भी हैं कि फाइनली जो है हमें मैच देखने का मौका मिल रहा है, और उम्मीद ये करें कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इसी एमएस स्टेडियम के अंदर IPL का जो टूर्नामेंट है वो देखने को मिले। और साथ ही साथ रही बात टिकट्स की, तो लोगों का भी ये कहना है कि टिकट चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए, हम इतने बड़े क्रिकेट फैंस हैं कि तब भी एमएस स्टेडियम आएंगे और मैच देखेंगे, उत्साह इतना है। और डिसाइड भी हो चुका है कि कौन सी टीम जो है आज ये मैच लेकर जाएगी। मणिपाल टाइगर्स के लिए सबसे ज़्यादा इस समय सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है।